आज की जो सत्य घटना है दोस्तों, किस तरीके से नरसिंह देवता साउथ अफ्रीका पहुंचे, साउथ अफ्रीका पहुंचने के बाद जो उनके भगत थे और किस तरीके से अपना घर बार सब छोड़ छाड़ के और साउथ अफ्रीका में रह रहे थे और अपना वहाँ कमाना खाना उनका सब दिनचर्या उधर हो गई थी। तो दोस्तों कैसे जब उन पर मुसीबत पड़ी तो दुनिया के सारे हॉस्पिटल कम पड़ गए, साउथ अफ्रीका के हॉस्पिटल कम पड़ गए, दिल्ली एम्स कम पड़ गया, जॉली ग्राउंड कम पड़ गया। दोस्तों बड़े से बड़े हॉस्पिटलों में जब उनकी मरने की डेट डिसाइड हो गई थी कि इस तारीख को तू मर जाएगा, तब जाके उन्हें अंत में अपने घर के अपने दादा परदादा सब याद आते हैं और वहाँ से दोस्तों किस तरीके से नरसिंह देवता की पूजा होती है और आज की डेट में क्या है दोस्तों, सब आपको इस कहानी में देखने को मिलेगा। और अंत में मैं उनकी वाइट भी रखूँगा और मंदिर का दृश्य भी रखूँगा। इस घटना में जो भी रहेगा सत्य रहेगा। दोस्तों हमेशा की तरह वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरे चैनल का एंटर हाचू हम पहाड़ी। जय बिरकारा बजरंगी, हर 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 महादेव। आप सभी के परिवार के ऊपर महादेव की कृपा और बजरंग बली का आशीर्वाद हमेशा बने रहने चाहिए। दोस्तों आज की जो भी ये सत्य घटना है, सत्य घटना में आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, हमारे पहाड़ों में ऐसी ऐसी जगह है जहाँ कोई रास्ता नहीं है, जंगलों के रास्ते हैं, वहाँ वहाँ देवतू ने चमत्कार दिखाए हैं। और यदि वो चाहते हैं कि हमारा चमत्कार हेमसू पहाड़ी चैनल तक पहुँचे, आप किसी के माध्यम से भी वहाँ से वीडियो बनाकर या लिखवाकर या कुछ भी करके आप मुझे भेज सकते हो, मैं वो कहानी अपने चैनल में अवश्य डालूँगा। दोस्तों आज की जो सत्य घटना है, दरअसल ये जिस टाइम पर मैं पद यात्रा कर रहा था कांवर की, उस टाइम पर मैं एक रात्रि यहाँ रुका हुआ था नरसिंह देवता के मंदिर में, तब मुझे ये कहानी का पता लगा। दोस्तों आप लोगों के आशीर्वाद से और आप लोगों के प्यार से और आप लोगों की कृपा और दया दृष्टि के चलते हुए मेरी यात्रा बहुत ही आनंदमय रही और जिस कारण से आप लोगों ने मुझे प्यार दिया हमेशा की तरह, मेरे बीच बीच में ब्लॉग भी मैं डाला, आप लोगों ने जितना भी मेरा साथ दिया, मैं उन सभी भाइयों का दिल से सपोर्ट करना चाहता हूँ जिन लोगों ने मेरे साथ साथ भगवान विष्णु के, भगवान शंकर के, सब लोगों के दर्शन करे, मैं उनको कोटि कोटि धन्यवाद करना चाहता हूँ। दोस्तों आज की सत्य घटना पर आगे बढ़ते हैं। इस घटना पर मैं सारी सत्य चीज़ें रखूँगा, कुछ भी काल्पनिक चीज़ नहीं रखूँगा, मिथ्या साक्ष्य कुछ भी नहीं रखूँगा। दोस्तों कहानी में आगे बढ़ते हैं आज की। दोस्तों ये जो घटना है, मैं आप लोगों के समक्ष पहले उस क्षेत्र का नाम रखना चाहूँगा, बूढ़ा केदार से आपको 5-6 किलोमीटर ऊपर जाना पड़ेगा, तो वहाँ पर आपको जो मेन मार्ग है उससे थोड़ा सा दूर हट के आपको नीचे साइड को एक मंदिर पड़ता है, वहाँ नरसिंह देवता का मंदिर है, बहुत ही दिव्य और आकर्षक मंदिर बना हुआ है। और पहले जो वहाँ पर उस मंदिर की स्थापना वगैरह करी थी, तो मैं उनके नाम रख देता हूँ और ये सत्य नाम है, कोई इसमें काल्पनिक नहीं है। दोस्तों लालमणि भटजी थे, लालमणि भटजी के जो भाई थे राकेश भटजी थे, राकेश भटजी के जो छोटे वाले भाई थे उनका नाम कमलेश भटजी था। कमलेश भटजी और मणि भटजी, राकेश भटजी जो तीन भाई थे, उनके जो घर के इष्ट थे वो नारायण इष्ट, मतलब नरसिंह देवता को अपना इष्ट मानते थे और उन्हीं की पूजा आराधना उन्हीं की भक्ति में मगन रहते थे। ऐसे करते करते सब भाइयों का फिर दोस्तों जब समय आगे बढ़ता है तो अलग भी होते हैं, न्यार भी होते हैं, बच्चे भी अलग अलग होते हैं, सब प्रोसेस ऐसे चलता है, ये हमारे पहाड़ों में क्या, प्लेन्स में क्या, हर जगह ऐसे होता है। उसके बाद जो भाई थे, लेकिन इन भाइयों में क्या हुआ, प्यार कम नहीं हुआ, भगवान के प्रति प्रेम और आस्था हमेशा ऐसी रही। जो बड़े वाले भाई थे उनके के पुत्र थे जगदम्ब भटजी थे, जगदम्ब भटजी जो थे बड़े ही एक सरल और स्वभाव और सत्य इंसान थे, हर हमेशा सत्य बोला करते थे और असत्य मार्ग पर नहीं उनने अपने बच्चों को शिक्षा दी। लेकिन जगदम्ब भटजी के जो पुत्र हुए राकेश भटजी थे, नंबर पर जो थे सुनील
भट्ट जी थे, चौथे नंबर पर जो थे अनिल भट्ट जी थे दोस्तों, जो तीसरे नंबर पर सुनील भट्ट जी थे और जो उनके बाकी भाई थे, जैसे कोई सरकारी टीचर गवर्नमेंट में पढ़ाते थे और जो छोटे वाले भाई हैं वो आचार्यगिरी करा करते थे, ऐसे करा करते सब भाई फिक्स हो गए थे। जो सुनील भट्ट जी थे उन्होंने क्या करा, अब इनके पिताजी ने भी उस टाइम पर इनसे कहा बेटा तुम अपने ही देश में कुछ काम करो और अपने देश में ही रहन सहन करो, बहुत बढ़िया है हमारा देश। लेकिन सुनील भट्ट जी क्या हुए, उन्होंने कहा कौन माने इस आदर विचारों को, मैं अपना सब कुछ छोड़ छाड़ के कहाँ जाता हूँ, मैं विदेश चले जाता हूँ नौकरी करने। अब सुनील भट्ट जी कहाँ चले गए नौकरी करने के लिए, साउथ अफ्रीका चले गए। और साउथ अफ्रीका चले गए तो आप क्या होते थे, साउथ अफ्रीका में अक्सर जब भी इनको ये बातें बताया करते थे कि आज यहाँ जागर है और यहाँ ये चल रहा है, यहाँ पूजन चल रहा है, देव पूजा हो रही है, तो ये अक्सर वहाँ से बोला करते थे यार पहाड़ी लोग क्या करते हैं यार ये, और ना ही इन चीज़ों पर विश्वास करना कभी, कहते थे यार ये क्या चीज़ चलता है, इन लोगों का रोज का ऐसी है यार, इधर जाओ उधर जाओ पूजा करो ये करो, इनका ध्यान में मतलब, और वहाँ साउथ अफ्रीका का रहन सहन इनके दिमाग में और इनके मन में सब चीज़ में वही चलता था, साउथ अफ्रीका का रहन सहन, वहाँ का रीति रिवाज, वहाँ कमाओ खाओ और वहीं की मतलब यासी रहन सहन सब इनके दिमाग में चले गया। दोस्तों ऐसे करते करते बोलते हैं ना, दिन और वक्त हर हमेशा किसी एक का नहीं रहता है, और जिसके जैसे कर्म उसको वैसा फल भुगतना पड़ता है। जब इनके अपने घर से और अपने उत्तराखंड से माया मोह सब ख़त्म हो गई, इन्होंने कहा आप तो उत्तराखंड में भी कुछ है ही नहीं, मेरे को जाना ही नहीं, मैं यही साउथ अफ्रीका में सेटल हो जाता हूँ ये सो। उसके बाद क्या हुआ, इन्होंने पूरा वहाँ पर अपना सब चीज़ सेटल कर दिया था साउथ अफ्रीका में। इधर इनके घर वालों को अपने भाई को घर बुलाने की हुई, उन्होंने कहा हम अपने भाई को घर बुलाते हैं घर बुलाते हैं घर बुलाते हैं, तो इनके भाई घर नहीं आते हैं, कहते हैं हमें को नहीं आना है, मेरा अपना सही हो रहा साउथ अफ्रीका में, मैं उधर ही रहूँगा। तो दोस्तों ना जाने इनको कौन सी बीमारी लगी, कौन सा दुख लगा, कौन सा दोष लगा, क्या इनके साथ हुआ, ये साउथ अफ्रीका में इनकी तबीयत खराब हो गई। साउथ अफ्रीका में थोड़ा तबीयत खराब हुई, थोड़ा तबीयत खराब हुई, थोड़ा तबीयत खराब हुई, और अंत में बहुत ही ज़्यादा तबीयत खराब हुई। साउथ अफ्रीका का कोई ऐसा हॉस्पिटल नहीं रहा जहाँ इनने नहीं दिखाया, हर जगह दिखाया अपने आप को, हर जगह, क्योंकि पैसे की कमी नहीं थी इनके पास, और दिखाते दिखाते अपना हर दुख हर शहर जब कुछ करा इनने दिखाया अपने आप को, लेकिन इनका स्वास्थ्य ठीक नहीं। उसके बाद इनको साउथ अफ्रीका से दिल्ली ले गए और दिल्ली एम्स में दिखाया। एम्स में दिखाते 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 एम्स वालों ने भी हाथ खड़े कर दिए, उन्होंने कहा अब हमारे बस की नहीं है, अब ये नहीं बच। उसके बाद इनको कहाँ दिखाया, जॉली ग्राउंड में दिखाया। जॉली ग्राउंड में जब दिखाया दोस्तों देहरादून, तो दिखाते 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 इनका वहाँ भी तबीयत ठीक नहीं हुई, और अंत में इन्होंने हर हॉस्पिटल में दिखाया, अंत में क्या हुआ, इनको मरने की डेट डिसाइड कर दी। उन्होंने कहा ये मर जाएंगे 20-25 दिन के बाद इनकी डेथ हो जाएगी, और आप इनको घर ले जाओ, इनको आप जो सेवा पानी है आप अपने घर में करिए और अपने घर में रहन सहन सब करो, क्या बता तब ठीक हो जाएंगे। ये अपने घर में आ गए, इनको ले कर आ गए, और इनके आँख से अश्रु की धारा बहती रही। ने कहा अब मेरा अंतिम समय आ गया है और अब मैं मर जाऊंगा, अब मुझे कोई नहीं बचा पाएगा। ऐसे करते करते तो रात में ये सो जाते हैं थक हार के, जब सो जाते हैं तो स्वप्न में इनके दादाजी लालमणि भट्ट जी जो थे वो आए, और आने के बाद इनसे स्वप्न में बोला, इनके सर पर हाथ रखा, बेटा तू इतना घबरा क्यों रहा है, तू इतना दास क्यों हो रहा है, तेरे मन में क्यों संकोच हो रहा है बेटा, तू तेरे को कुछ नहीं होगा बेटा, तू सिर्फ अपने घर के इष्ट की पूजा कर, और हमारा विश्वास है कि तेरा कोई बाल बांका नहीं कर पाएगा, चाहे कहीं की कोई हवा आई हो, चाहे कहीं से किसी ने जादू करा हो, चाहे किसी का दोष हो, चाहे किसी का फटकार हो, तू केवल अपने घर के इष्ट की पूजा कर,
और तेरा बाल अगर बाका हो जाएगा तो मेरा नाम लालमणि भट्ट नहीं रहेगा, जाओ। जब इनकी नेत्र खुले सुबह फट से खुले, उन्होंने कहा यार ये क्या था, आज पहली बार मैंने अपने सपनों में दादाजी देखे, और दादाजी देखने के बाद दादाजी ने मुझे जो राय दी, शिक्षा दी, आज मैं इस अवस्था में पहुंचा हूं जो नहीं मानता था इन चीज़ों को, आज मैं इस घर के दहलीज पर खड़ा हूं और अपने मौत के दिन घुस रहा हूं। जब हमारे इष्ट इतने खतरनाक थे, जब हमारे जोशीमठ के देवता इतने खतरनाक थे, जब हमारे जोशीमठ के दादू नारसिंह इतने दयालु थे, जब हमारे जोशीमठ के करुणा अवतारी दूधाधारी नारसिंह जब इतने दयालु थे, तो मेरी तबीयत कैसे खराब हो गई। तो इनके आँख से अश्रु की धारा बहते रही और रहते रही, बहते रही, बहते रही, और इनने फिर मन में संकल्प करा और इनका ध्यान कहाँ गया, सीधा जोशीमठ को गया। चरो पुरुषो नंगे है गोचो, अरे जोशीमठ मजा, जोशीमठ में जो रहे वो, ए जोशीमठ मजा हेला नोते नारा सिंगा। और जैसे इनका ध्यान जोशीमठ को गया दोस्तों, और इन्होंने कहा हे नरसिंह देवता, हे मेरे घर के इष्टो, हे मेरे कुलंकारी देवतो, अगर आज मैं बच जाता हूँ तो मैं अपना पूरा जीवन और अपना सब कुछ आपको समर्पित कर दूंगा, और मैं कुछ करूँगा तो सिर्फ आपकी सेवा करूँगा, मुझे आपकी सेवा करने के अलावा कुछ कार्य नहीं चाहिए, बस इतना कहते हैं और ये ध्यान मूर्त संकल्प कर देते हैं। ये रात लागी गो छो नते नरसिंहणी, ये रात लागी गो छो नते नरसिंहणी, मारो भगत छो मैं कुछ आंदे पंगड़ी गोयु जोगी, मैं यशो की चकी ओ बरिया, ये जोगी बन झोपड़ की खिसके और मैं झोपड़ो, ये जोगी मैं आए आए आता ब्याई प्रभात जो है गे, ये छाना कांगा चिंगा तानी जो भी मैं आया, बारा कांगा जाजेला आ छंदा बनी बर्फ जो भी जो भी आ, ये जो भी मैं आया संगे मैं दांग दाना मैं गे था तुम्हारा, लेकिन ना को आजा पा संगे मैं दांग दाना मैं गे था लेकिन ना को जा पा, लेकिन वो जापन को जा समय दो कर दिया संगे मैं चाल लो तुम। उसके बाद इनके दादाजी थे लालमणि भट्ट जी, राकेश भट्ट जी और कमलेश भट्ट जी, इन्होंने अपने पितरों का सुमरण करा, सुमरण करने के बाद जो नरसिंह देवता का मंदिर था वहाँ सफाई करी, सफाई करने के बाद इन्होंने अच्छे से वो मंदिर को पूरा साफ करा, साफ करने के बाद दोस्तों उस मंदिर में इन्होंने क्या करी, पूजा प्रारंभ करी, प्रारंभ करने के बाद दोस्तों उसके बाद दोस्तों दिन चौगनी रात चौगनी इन पर होती रही दोस्तों, और 19 से 20 ही हुआ दोस्तों, कभी 18 नहीं हुआ। जो हमल रोजा जाग यार जो कभी हमल रोजा जाग यार जो कभी नहीं जाग, तब कम से जो हमल रोजा जाग यार जो कभी नहीं जाग, हमल रोजा जाग यार जो कभी नहीं जाग, ये कौन सा दुआ है ना कौन सा। आगे को फर्क ही मिलता रहा इनको, और देखते ही देखते देखते ही देखते देखते ही देखते ये क्या हो गए, एकदम स्वस्थ हो गए, और इन्होंने अपने देवतू को पूरा अपना जीवन समर्पित कर दिया। उसके बाद दोस्तों इनके जब वहाँ पर मंदिर के सामने एक बार वहीं के स्थानीय लोगों ने कहा सब यहाँ पर ढोंग कर रहे हैं, फ्रेप कर रहे हैं, कोई कुछ नहीं करते हैं, सब देवता हेवता ये सब ने ढोंग मचा दिया है, तो दोस्तों इन्होंने कहा परीक्षा रखी वहाँ पर, इन्होंने कहा जो देवता होगा तो ये गर्म उनके हथियार रहते हैं जैसे चिमटा और वसूली और ये जैसे रहते हैं ये मारने के लिए रहते हैं, तो उन्होंने कहा जो कोई देवता होगा इससे खेलेगा आज, और ये लाल समुद्र को चप्पी को अपने सर पर मारेगा, पीठ पर मारेगा, तब हम कहेंगे देवता है। तो जब जागरण लगी वहाँ पर सब देवते और सब डंगरिये अपना अपना सेट को होते रहे, तब इन पर देवता आया। देवता आने के बाद जो वो हवन कुंड था, हवन कुंड में ही ये बैठ गए, और बैठने के बाद इन्होंने वहाँ से अपने अस्त्र निकाले और अस्त्र को पीठ में मारा, गरम गरम अस्त्र को दोस्तों, लेकिन इनको कुछ नहीं हुआ, नहीं इनकी धोती में आग लगी और नहीं
इनके शरीर में कोई ऐसा दुख और प्रेरणादायक कुछ नहीं हुआ। इनके वहाँ दोस्तों मंदिर में आज भी, इन्होंने मुझे बताया कि हमारे मंदिर में आज भी नरसिंह देवता के जो किसी के घर में भूत प्रेत और या छल छितर कोई भी ऐसी देश भावना कुछ भी होता है तो कहाँ कहाँ से लोग आते हैं और हेम भाई रोते हुए आते हैं और हंसते हुए हमारे मंदिर से जाते हैं। बस इतना हमारे ऊपर नरसिंह देवता ने अपना आशीर्वाद रखा हुआ है। और इन्होंने मुझसे बहुत सारी ऐसी बात करी, मैं आपको इनके मुख से खुद सुनाऊंगा। दोस्तों इनके मंदिर का काम जो हो चुका है भव्य तरीके से पूरा संपूर्ण हो चुका है, तो नीचे जो जहाँ पर रहने के आवास जो टाइप के हैं वहाँ पर इन्होंने बोला है, हेम भाई अगर कोई भक्त श्रद्धालु अपनी तरफ से कुछ करना चाहता है नरसिंह देवता के लिए तो उसे अवश्य हमारे ये नंबर है, ये कॉन्टैक्ट नंबर देना, और मंदिर के लिए कोई भी श्रद्धा कुछ भी रखना चाहता है तो इस पते पर हमको संपर्क करें और अपनी श्रद्धा से यहाँ पर आके मंदिर में आके कुछ भी कर जाए, हमें उससे कोई आपत्ति नहीं है। सिर्फ बस भाव निर्बल होना चाहिए, उनका देने का भाव स्पष्ट होना चाहिए कि हाँ हमने ये नरसिंह देवता के लिए करा है। दोस्तों प्राचीन मंदिर है, दोस्तों आप देखो जो पहले मंदिर था उसके बाद ये जो मंदिर बनाया गया है बाद में, ये दिव्य मंदिर बनाया गया है पुजारी जी द्वारा, सबके द्वारा। आप सब बड़े भाग्यशाली हो जो सीधा आप नरसिंह देवता के दर्शन कर रहे हो अपने अपने घरों से। दोस्तों जी आपके पास नरसिंह देवता कैसे आए, कैसे अवतार रखा, अवतार है मतलब आस्था और विश्वास क्यों बड़ा नरसिंह देवता पर? इसमें बड़ा मेरे विश्वास, मैं बीमार हो गए भयंकर, मैं बाहर रहता, मैं नौकरी करता था अपनी विदेशों में, साउथ अफ्रीका में। अच्छा साउथ अफ्रीका? हाँ साउथ अफ्रीका रहा मैं, पंजाब में रहा, अपने हरिद्वार में रहा। तो मैं यहाँ पे बीमार हो गया, वहाँ पे 15 साल बाद मैं बीमार हो गया नौकरी करने के बाद, तो डॉक्टर एम्स में गया, जोली ग्रांड गया, उधर उन्होंने मना कर दिया कोई घर ले जाओ बज नहीं हो, तो उसके बाद मैं यहाँ आया, घर पे ले आए मेरे को, घर पे आया तो घर पे जो है हमने इस देवता को पूछा है, हाँ नरसिंह नारायण, इसने 31 दिन का टाइम दिया तो मैं कहीं नहीं गया, फिर यहीं इसी पूजा करने लगा, इसी शरण में आ गए। और जो हमारे दादाजी हैं लालमणि भट्ट जी, सारी उनकी हम पे छत्र छाया है, सारे परिवार भी हमारी छत्र छाई उनकी है। अलग अलग आप वहाँ की रहा रीति में पले, वहाँ देखा, वो तो आपका तो स्वभाव है भगवान को कोई विश्वास ही नहीं होगा, कोई विश्वास ही नहीं था उसको, अभी कर दिया विश्वास हो गया। जब यहाँ आए जब पर्चे मिले तो भैया पर्चे के खर्चे यहीं से कहीं जाने की इच्छा नहीं हो रही। तो आज की डेट में जैसे आप तो यहाँ मैं देख रहा हूँ पूरा भव्य मंदिर बन चुका, पहले भी ऐसे था? ना पहले नहीं था, अभी बना, 3 साल के अंदर जब आपने यहाँ पर तभी सारे भाग बहुत भगवत हुआ यहाँ पे, उसके बाद इसे भगवान नरसिंह की कृपा बनी जागृत करने की जागृत देवता को। बाकी तो उनकी जागृत तो हमारे दादाजी ने किया, ये छोटा मंदिर है उधर से वो पत्थर से हमारे उत्पन्न हुआ वो नरसिंह राजा, ये तो अभी लाए हमारे लालमणि भट्ट हो गए, राकेश भट्ट जी हो गए, और कमलेश्वर प्रसाद बड़े हमारे दादाजी हैं सबसे बड़े कमलेश्वर प्रसाद जी, उन्होंने ये मूर्ति यहाँ पे स्थापना की थी उन्होंने। लाइफ में जो आपकी लाइफ में आपका पूरा डिफरेंस आ गया हो, जमीन आसमान, जमीन आसमान, आप जब से हम देवता के शरण में आए तो रहने का ढंग पता लग गया होगा, इंसान क्या चीज है पता लग गया, हाँ ये पता सारा, पहले जब 15 साल ये शिक्षा, ये सब जो हमारे दादाजी ने हमें दिया है, जो हमारे लालमणि भट्ट जी है उन्होंने ये शिक्षा दी है। जैसे पंडित जी आप जैसे पहले जब बाहर रहे होंगे तो उस टाइम पर केवल आपको कमाने की खाने का ये एंजॉय करने का शौक था, एंजॉय करने का शौक था, कोई मतलब नहीं था। देवता आया होगा तो आपको पता लग गया होगा कि ये कुछ नहीं है दुनिया में, पहले वो सब मिथ्या है। अब हमारे दादाजी ने पहले बहुत समझाया हमें, भट्ट जी ने, लालमणि भट्ट जी ने, तीनों दादाजी ने समझाया कि नहीं ऐसा नहीं ऐसा करो, जब मैं छोटी नौकरी बर्तन किसी के धुलता था छोटी नौकरी समझाते थे नहीं ऐसा नहीं ऐसा कर तो ऐसा कर ऐसा कर, मैं नहीं मानता था उनकी कहने बातें, तो उन्होंने फिर वही हमारे नरसिंह नारायण के रूप में आए हमारे पास। अच्छा कि नहीं अब आप इनको पूछ और आप देख, और उनसे बोलो तो आज उनकी कामना है जो हमें नई जिंदगी उनके कहा जिन्होंने मेरे को रास्ता बताया और जो शरण में जाओ, बस उन्हीं के रास्ते पे हम चलेंगे, क्योंकि गुरु की जरूरत तो होती है भगवान के पास जाने के लिए, एक गुरु तो जरूरी चाहिए। हाँ ये गुरु वही है हमारे जो लालमणि भट्ट जी हैं, राकेश भट्ट जी हैं, हमें कमलेश्वर जी हैं, वो है उन्होंने मेरे को इतना शिक्षा दे दी
उन्हें हमारे माँ बापों ने नहीं दी। अच्छा, आज आप मेरे उत्तराखंड के जो भाई है, जो धामी है, उनको कुछ संदेश देना चाहोगे? संदेश सब यहाँ पे आओ, यहाँ पे पूछो, अपनी मनोकामना लेके आओ, जो सारी मनोकामना यहाँ पे पूर्ण होती है। आप जैसे दाने वगैरह भी देखते हो कभी, विचार करना जैसे किसी का सारा 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 सब चीज देखते हो सारा, तो जैसे आप कोई मतलब देखे के पैसे लेते हैं? नहीं 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 नहीं, वो तेरी सेवा है और भगवान की चरणों में जो आपकी इच्छा वो दे सकते हैं, हमारा कुछ ये नहीं है। नहीं नहीं, हमारा कोई ये लेना देना ये अपना, आज के टाइम में लोगों ने नहीं 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 नहीं, वो आप जो भक्त आते हैं उसकी इच्छा है कि यहाँ पे क्या करना है, वो अपनी इच्छा से यहाँ पे कर सकते हैं। नहीं, मेरी तरफ से कोई नहीं कि मेरी दक्षिणा ये है जी, मेरे को ये तो नहीं, मेरे से कोई लालच नहीं है देवता से। यहाँ तक भी सुना है कि शरण में रोते हुए आते हैं और हंसते हुए जाते हैं, हंसते हुए से यहाँ पे जब उनकी कृपा मेहर बन जाती है बाबा की तो हंसते हुए लोग जाते हैं। ये नहीं जो पाखंडी लोग ये कर रहे हो, उसका काम यहाँ पे नहीं है। ये हम कोई बोलेंगे मेरे इतने दक्षिण है नहीं, जो आपकी शरण में आते हैं यहाँ पे वही 10 रुपये भी है, 1 रुपये हमें वही फायदा, सुकून है, जो कुछ है बाबा की, हमारा नहीं है कुछ। आप हिंसू पहाड़ी के लिए कुछ कहना चाहते हो? मैं यही कहता हूँ, नरसिंह नारायण की कृपा से आप पे नरसिंह नारायण की दृष्टि बनी रहे और हिमचू भाई की ये टूप पे जो आप सरकाई करते रहे और आप हमारे नरसिंह नारायण की पूरी छत्रछाया इनके पूरे परिवार और कुटुंब पे पूरे बनी रही। ये नरसिंह नारायण की जय हो, भगवान नरसिंह भगवान। बहुत अच्छा लगा मुझे, और पंडित जी आपने मेरे को अपने दादा परदादाओं के बारे में बताया और मैंने ही शायद कोई पिछले जन्म में पुण्य करा होगा जो मुझे ऐसे महान ऋषपतियों का नाम सुनने को मिला, और मैं चाहता हूँ कि उनकी कृपा दृष्टि मेरे ऊपर भी बने रहे। कोटि कोटि में आपके पूरे कुटल परिवार को मैं हिमचू पहाड़ी की तरफ से नमन करता हूँ। तो ये घटना केवल सत्य है और इसमें मैंने कुछ भी असत्य नहीं मिलाया है, जो कुछ भी है सत्य है घटना पर। दोस्तों, यदि आप लोगों को कहानी अच्छी लगी होगी, हेमचू पहाड़ी चैनल को लाइक सब्सक्राइब और फॉलो करना कतई मत भूलना, क्योंकि दोस्तों हेमचू पहाड़ी चैनल आपका अपना चैनल है दोस्तों। चल मतू ही थल मतू ही घोर बितू ही या घोर बितू चंड तू ही पर चंड तू ही कच्च तू ही डोंड्या भी तू।